हेलो फ्रेंड्स, मैं जी राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम आपका स्वागत है हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ में। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है कि कल के बाजार में क्या करें। तो कल के बाजार में क्या करने के लिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं आज निफ्टी में हुआ क्या। आज निफ्टी ने सबसे पहले 7735 के लेवल पे खुला और 7715 का लेवल उसने टच किया इमीडिएटली, लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी रिकवरी आई और 8000 का लेवल तोड़ते हुए निफ्टी ने 8376 का हाई लगाया और उसके बाद क्लोज किया 8300 से थोड़ा सा नीचे 8297 पर। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 16760 पर स्टार्टिंग की और उसके बाद 16636 का लो लगाया और 17000 के लेवल को फिर क्रॉस करते हुए धीरे धीरे रिकवरी करते हुए 18740 तक हाई लगाया और उसके बाद 18549 पे क्लोज किया। अगर हम बात करें कि कल पीएम ने 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया था जिसकी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए, और अगर हम बात करें तो इसकी वजह से एक पूरा लॉकडाउन की वजह से सारी इंडस्ट्रीज, कई सारे प्लांट्स जो है शट डाउन हो रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लाना होगा जिससे कि बैंकिंग सेक्टर पे दोबारा से एक एनपीए का जो एक गाज गिर रहा था वो दोबारा से नारे वापस हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लाना होगा। अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए निफ्टी ने 23 मार्च को आर्ली चार्ट पर एक गैप डाउन दिया था जो कि आज निफ्टी उसको कुछ थोड़ा फिल करने की कोशिश की, कल भी थोड़ा फिल किया था और आज भी थोड़ा फिल करने की कोशिश किया। तो ये अगर ये गैप कल फिल करने के लिए निफ्टी को 8600 तक जाना होगा तो 8600 पे ये गैप फिल हो जाएगा। अगर कल निफ्टी 8600 टच करता है और 8600 टच करने के बाद उस पर 15 से 20 मिनट अगर उसको उस लेवल को होल्ड करता है तो फिर 8800 तक के लेवल आप देख सकते हैं। अगर वो 8600 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर हमें कल 8200 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और थैंक यू सो मच कल के लिए। हमारे चैनल देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं आपको नोटिफिकेशन के लिए, और थैंक यू सो मच।